देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। थानेदार भी नहीं सुरक्षित तो कहां जाए आम आदमी। पूर्णिया के बीकोठी थाना के दरोगा को दबंगों ने पीटा तो थाना अध्यक्ष कान में तेल डालकर सोते दिखे। पीड़ित पहुंचे पुलिस कप्तान विशाल शर्मा के पास, कार्यवाही नहीं करने का लगाया थाना प्रभारी पर आरोप। अपने जान की रक्षा के लिए भी लगाई गुहार। शराब पीकर हंगामे करने के एक मामले में दरोगा कौशल पहुंचे थे गोरियारी गांव, जहां शराब की पुष्टि नहीं होने के बाद स्थानीय वार्ड सदस्य नरेश मंडल ने दरोगा को भीड़ से पिटवा दिया था। पूर्णिया में दबंगों का मनोबल अब इतना बढ़ चुका है कि अब खुद वर्दीधारी भी बाहर निकलने से खौफ खाते हैं। बीते माह बीकोठी के गोरियारी गांव में शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत आई, जिसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार ने दरोगा कौशल सिंह को दो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। वहां पहुंचने के बाद मामला मारपीट का पाया गया। दरोगा ने शराब पीने की जांच की तो पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद शिकायतकर्ता वार्ड सदस्य नरेश मंडल ने दरोगा का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आसपास से भीड़ जुटने लगी। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। दरोगा के साथ गए दो पुलिस कर्मियों से ड्यूटी राइफल छीनने की कोशिश की गई। भीड़ ने दरोगा कौशल को बुरी तरह मारा और सर फाड़ दिया। दरोगा बाबू का कहना है कि थाना प्रभारी सुनील कुमार इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि थाना प्रभारी द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिए जाने के बाद दबंगों का मन बढ़ गया है और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरोगा को अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। दरोगा अपनी पत्नी के साथ पूर्णिया पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा के पास पहुंचे। नम आंखें और डरी हुई आवाज में अपनी जान की रक्षा और तबादले की मांग करते रहे। पीड़ित दरोगा ने न केवल थाना प्रभारी सुनील कुमार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, बल्कि धमदाहा DSP पर भी दबंगों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। कहे कि जाकर करके गोड़ियारी में देखिए, एक आदमी दारू पिए ले। हम गए वहां पर सत्यापन हेतु थाना प्रभारी के कहने पर, तो एक रूम में लड़का को बंद किया था, तो हम उसका मुँह का सुहासा लिए तो दारू नहीं मिला। तो कहा कि पत्नी का छेड़खानी किया है, बगल से सत्यापन किए तो बताया कि अपने रूम में है, कुछ नहीं किया है। इसके बाद वो अभियुक्त ने, नरेश मंडल ने हमारा वीडियोग्राफी किया, जिसका हम विरोध किए, उस पर हमारा कॉलर पकड़ लिया। हम लोग किसी का वीडियोग्राफी करते हैं? हम लोग किसी का वीडियोग्राफी करते हैं? कोई रोक ठोक नहीं है। आर्म फोर्स बचाने आया, उसका राइफल छीनने की संभावना हो गई। दो गो आर्म फोर्स था, भाग गया और 7-8 आदमी मिल कर फाइट और लाठी से पीछे से लाठी से उसकी पत्नी मारी है। अभियुक्त नंबर 2 है इसमें। अभी कहाँ है? अभी हम बड़ारे थाना में हैं। थाना अध्यक्ष रूम में सोए हुए थे, एक चौकीदार को भेजे कि जाओ इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। बैंडेज करा के आए तो रजाई ओढ़ के सोते हुए थे। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार कहे कि वो गिरफ्तारी होगा, इसके लिए तू काहे बेचैन है? तुम्हारी चिंता नहीं है, गिरफ्तारी होगा। अभी कहाँ आए हैं? अभी यहाँ कहाँ आए हैं? SP साहब से अपना स्थानांतरण के गुहार लगाने के लिए कि हमारी, हम सुरक्षित नहीं हैं। अभियुक्त बाजार में सरेआम घूम कर करके, हमको डर की भावना बना रहता है कि सब्जी भी लाने में पत्नी या हमको डर है काफ़ी। कारण है कि बोला है कि केस करेगा तो मर्डर कर देंगे। अभियुक्त नरेश मंडल, गोड़ियारी वार्ड नंबर 12। जी, बड़ारा कोठी थाना वार्ड नंबर 12। बोला कि केस यहाँ कीजिएगा कि अभी तो कपार फारे हैं, मार कर करके तुम्हारी पत्नी को और तुमको हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर तू लोग दिखाई नहीं देगा। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक हमारा जख्म प्रतिवेदन भी नहीं जारी किया गया था, तो हम कल लिखवाए हैं ASI से। आज 22 दिन होने जा रहा है। क्या लगता है इसमें? लगता है DSP साहब भी बोले वहाँ पर सुपरविजन में कि तू लोग बेल करा लो, कुछ नहीं होगा। SDPO धमदाहा अभियुक्त लोगों को थाना प्रभारी के साथ में गए थे। थाना प्रभारी कहे कि नहीं सर, हल्का थुतू में हुआ है, कपार नहीं फटा है, जबकि 3 हमारा टाँका पड़ा हुआ है और खून का होली खिला दिया पब्लिक हमको। हम दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे जब हम स्वयं सुरक्षित नहीं है? इसी चलते बोलते हैं कि बड़हारा से हमको हटा दीजिएगा। क्यों इतना डरे हैं? नहीं बेटा तो गांव पर खो गया है, मैं दम भूखा है ना हमारा। अब पति के कुछ भी हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? क्या नाम है आपके पति का? कुशल कुमार सिंह। क्या है वो? ऐसे ही
कहाँ? बड़हर थाना में। क्या हो गया उनको? उनको हो गया, वही गए ड्यूटी, गश्ती ड्यूटी 8-9 के बीच में नरेश मंडल भी कर दिया, घटना कर दिया, उसी पर माथा फोड़ दिया 3 गो टका पर। घटना के 22 दिनों बाद भी इनके ही थाने से अब तक चोट के प्रतिवेदन रिपोर्ट नहीं सौंपे गए हैं, जबकि पीड़ित के सर पर 3 टाके लगे हैं। एसडीएन न्यूज के लिए तहजीब की रिपोर्ट।